जगदलपुर में बीजेपी पार्षद दल ने कलेक्टर के नाम लिखे पत्र को एडिशनल कलेक्टर और जांच समिति के अध्यक्ष को सौंपा। पत्र में एक बार फिर एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीनों की खरीदी को लेकर जांच की मांग की गई। इसके साथ ही पहले से गठित समिति की जांच में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इससे पहले भी दिए गए तीन पत्रों में चौथा बिंदु पर जांच की मांग की गई थी। मशीनों की खरीदी की जांच के लिए कलेक्टर ने 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। कलेक्टर ने कहा जांच कमेटी 7 दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन पेश करे। अब भाजपा दल ने अपने पत्र में कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच कमेटी को बने 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई, सिर्फ खानापूर्ति की गई। जांच नहीं होने से नगर निगम भी संदेह के दायरे में है, ये भ्रष्टाचार और अनियमितता साबित करता है। अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि नगर निगम जगदलपुर के द्वारा जो वीड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदी गई थी उसके क्रय के संबंध में जो मशीन 25 लाख के आसपास होनी थी उसे 74 लाख में नगर निगम जगदलपुर ने खरीदा और उसके इसी अनियमितता उसके पुराने होने के संबंध में उसको पूरा शहर जानता है कि वो पुराने पार्ट्सों को लेकर असेंबल्ड किया गया था। आज 4 महीने के पश्चात भी जांच नहीं हुई तो आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल फिर से एक बार कलेक्टर से मिलकर उन्हें फिर से आग्रह किया कि जांच तत्काल कराएं और अगर जांच नहीं कराती है तो लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य।